दोस्तों अभी की सबसे बड़ी जो जानकारी आई है वो आपके डिश टीवी और डी टू एच को लेकर आई है, जहां पर हमें ये पता चला है कि दो चैनल्स आपके लिए अचानक से बंद कर दिए गए। अगर आप में से ऐसा कोई उपभोक्ता है जो कि डिश टीवी या फिर डी टू एच का उपयोग कर रहा है अपने घर पर, तो वह इस वीडियो को जरूर देखें, आगे इस वीडियो को शेयर भी करें जिसके पास डिश टीवी का कनेक्शन या डी टू एच का कनेक्शन लगा हुआ हो, क्योंकि दो चैनल्स हो सकता है उनके देखे जाने वाले चैनल्स जो कि अब नहीं मिलेंगे देखने के लिए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। बहुत चैनल्स हमारे बीच नए लॉन्च होते हैं, बहुत चैनल्स बंद होते रहते हैं, तो ये जो जानकारियां हैं वो हम आपके बीच इसी तरह से लेकर आते रहते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी इसी तरह से सबसे पहले मिलते रहे। तो देखिए यहाँ पर डिश टीवी और डी टू एच की ओर से जो सबसे पहला चैनल हमारे बीच बंद किया गया है उसका नाम है आर प्लस। ये बंगाली फ्री टू एयर एफटीए न्यूज चैनल था, यानी कि आपके बेसिक पैकेज में ही देखने को मिल जाता था, लेकिन करेज फीस मुद्दों के कारण, ऐसे ना दे पाने के कारण डिश टीवी और डी टू एच की ओर से इस चैनल को हटा दिया गया है। बाकी बात करें अगर हम किसी दूसरे चैनल की जो बंद हुआ है, तो उसका नाम रहेगा चैनल विन। ये आपका इस्लामिक डिवोशनल चैनल था, कई सालों से आपके सभी मेजर डी टी एच प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है, लेकिन अचानक से डिश टीवी और डी टू एच की ओर से इस चैनल को जो बंद किया गया है उसके पीछे में जो कारण है वो यही बताया जा रहा है कि एक करेज फीस का इशू है, पेमेंट का इशू है, कुछ पेमेंट ऐसी है जो कि ड्यूज रह गई, जो कि पे नहीं की गई, जिसके कारण इस चैनल को बंद किया गया और डिश टीवी और डी टू एच की ओर से बाहर किया गया। फ्री टू एयर होने के नाते ये भी आपके बेसिक पैकेज में इजिली देखने को मिल जाता था, नहीं दोनों चैनल आपके बेसिक पैकेज में थे, लेकिन अब दोनों ही चैनल जो है वो देख नहीं पाएंगे। बाकी आने वाले समय में हो सकता है करेज फीस का जो इशू चल रहा है इनके बीच में अगर वो सॉल्व हो जाता है तो दोनों चैनल्स वापसी भी आ सकते हैं। बाकी इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल हो, इनमें से ऐसा कोई चैनल जो आप देखना पसंद करते थे या देखते आ रहे थे, नीचे अपने राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर कर सकते हो। नमस्कार।